हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्केस्टिक। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए इंग्लिश वर्कशीट। बच्चों के एग्जाम अब खत्म हो गई है तो बच्चे वैकेशन पीरियड एंजॉय करेंगे, और वो सही भी है क्योंकि उन्हें लगता है एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म। बट एज अ पेरेंट हमें चिंता रहती है उनके नेक्स्ट क्लास की, इसलिए हमें बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए, उनका रिविजन लेना चाहिए जिससे वो कुछ भूल ना जाए। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ कलरफुल वर्कशीट्स विद एवेंजर थीम। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रही पहली वर्कशीट। इसमें पहला क्वेश्चन है, पुट द नाउंस इनटू करेक्ट बॉक्स। तो यहाँ पे जो नाउंस दिए हैं वो करेक्ट बॉक्स में लिखना है। तो नाउन मतलब क्या? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। नाउन मतलब किसी व्यक्ति, जगह, प्राणी और वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नाउंस दिए हैं वो बच्चों को आइडेंटिफाई करने हैं। नाउन पर्सन के कॉलम में जाएगा या फिर प्लेस के कॉलम में, एनिमल के कॉलम में या फिर थिंग के कॉलम में, वो बच्चों को लिखना है। जैसे कि पहला है यहाँ पे टीचर। टीचर ये है पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो जाएगा पर्सन के कॉलम में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टीचर। स्कूल। स्कूल ये प्लेस है, जगह का नाम है, तो यहाँ पे स्कूल लिखेंगे हम। डॉग। डॉग ये एनिमल का नाम है, तो यहाँ पे एनिमल के कॉलम में आएगा डॉग। टाइगर। टाइगर ये है एनिमल, तो टाइगर आएगा यहाँ पे। बुक। बुक ये थिंग है। इस तरह से बच्चों को ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और यहाँ पे एनिमल के साउंड दिए हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करके मैच करना है। जैसे पहला है कैट। कैट का साउंड होता है मैउस। कैट, मैउस। हॉर्स, ने। शिप, ब्लिट्स। लायन, रॉर्स। डक, क्वैक। नेक्स्ट है सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब जिनका एंडिंग साउंड सेम है। तो यहाँ पे पहला है बैट। तो बैट जैसा कौन सा वर्ड है यहाँ पे? कैट, CAT, कैट। हेन, टेन। बिन, पिन। कैप, मैप। टैग, बैग। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सिंगुलर वर्ड दिए हैं, बच्चों को उनका प्लूरल फॉर्म लिखना है। अब सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए, उसके कौन कौन से रूल्स है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पे है टॉय। टॉय का प्लूरल क्या होगा? टॉयज। मिसिंग वॉवल्स टू कम्प्लीट द वेजिटेबल नेम्स। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स नेम दिए हैं, तो यहाँ पे जो मिसिंग वॉवल्स है वो बच्चों को कम्प्लीट करना है। तो पहला है टोमेटो। TOMATO
TOMATO टोमेटो, ब्रिंजल BRINJAL ब्रिंजल, कैप्सिकम ऑनियन एंड कैरेट। नेक्स्ट राइट अ प्लेस वेयर दे लिव, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं तो उनके होम्स लिखने हैं। तो पहला है लायन, लायन कहाँ पे रहता है, डेन। बर्ड नेस्ट, हॉर्स स्टेबल, काउ शेड, शिप पेन, हेन कुक। नेक्स्ट यूज इज एम आर, तो यहाँ पे बच्चों को इज एम आर का यूज करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन द वेदर इज नाइस टुडे, तो यहाँ पे आएगा इज। आई एम अ बॉय, दीज आर माई टॉयज, दिस बुक इज हैवी, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे आएगा इज। इस तरह से ये वर्कशीट बच्चों को सॉल्व करनी है। तो ये रही थर्ड वर्कशीट, राइट इट। यहाँ पे लेटर दिया है, उसको ज्वाइन करके बच्चों को वर्ड फॉर्म करना है, जैसे कि BAT बैट, BED बेड, BAND बैंड, BALL बॉल, BASKET बास्केट। इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों को सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है अंडरलाइन दी ऑड वन, यहाँ पे जो ऑड है उसको अंडरलाइन करना है, जैसे कि 10 10 10 बेन 10, तो यहाँ पे बेन अलग है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। मैन वैन, मैन मैन मैन, तो यहाँ पे वैन अलग है इस तरह से। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड कलर इट, यहाँ पे लिखा है स्टार, तो बच्चों को यहाँ पे स्टार ड्रॉ करना है। फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करना है। इस एक्टिविटी से बच्चे को ड्राइंग की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट है नेम द कलर ऑफ, यहाँ पे जो थिंग दिए है उसको कलर बच्चों को लिखना है, जैसे कि पैरट, पैरट ये बर्ड है तो उसका कलर कौन सा है, ग्रीन, तो यहाँ पे लिखना है ग्रीन का स्पेलिंग GREEN ग्रीन। स्काई का कलर होता है ब्लू। मिल्क वाइट, ब्लड रेड, लेडी फिंगर ग्रीन। इस एक्टिविटी से बच्चों के कलर नेम्स की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे जो टू लेटर वर्ड दिए हैं उसकी हेल्प से बच्चों को सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, जैसे कि इट डैश अ न्यू कार, इट इज अ न्यू कार, IS इज ये टू लेटर वर्ड है। ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे ANN। राज डैश रीड एंड राइट, तो यहाँ पे आएगा कैन CAN कैन, ये थ्री लेटर वर्ड है। आई डैश बिजी टूडे, आई एम बिजी टूडे, इस तरह से। तो ये रही हमारी लास्ट वर्कशीट, यूज द लेटर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया है उसकी हेल्प से बच्चों को सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट वन एन डैश अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे आएगा एप्पल, APPL लिखा हुआ है तो यहाँ पे एप्पल का स्पेलिंग क्या आएगा, APPLE एप्पल। प्लीज डैश द डोर, प्लीज ओपन द डोर, OP लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे EN ओपन। करण इज लाइटनिंग द लैम्प, LAMP लैम्प। द स्कार्फ इज मेड अप ऑफ सिल्क, SILK सिल्क। अधीरा लव्स टू सिंग, LOVES लव्स टू सिंग। नेक्स्ट अनस्क्रैम्बल दिस लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फ्रूट, यहाँ पे जो फ्रूट्स ड्रॉ किए हैं वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे जो लेटर अनस्क्रैम्बल है उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे ये है एप्पल, तो यहाँ पे लिखेंगे APPLE एप्पल। ये है पेर, बनाना। नेक्स्ट मेक अ वर्ड बाय एडिंग ICK टू द लेटर्स, यहाँ पे जो लेटर्स दिए हैं उसको ICK ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ पे बन गया THICK थिक, STICK स्टिक, TRICK ट्रिक, BRICK ब्रिक। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रीडल्स दिए हैं तो बच्चे को उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट रीडल है आई एम क्यूट एंड स्मॉल एंड आई राइम विथ हाउस, मैं क्यूट और स्मॉल हूँ और हाउस के साथ राइम करता हूँ, तो
तो मैं क्या हूँ? माउस। तो यहाँ पे आएगा माउस, जो हाउस से राइम करता है। नेक्स्ट, आई हैव अनदर नेम फॉर रैबिट एंड आई राइम विथ फनी। तो यहाँ पे आएगा बनी। आई लाइक टू टेल टाइम एंड आई राइम विथ रॉक। रॉक के साथ जो राइम करता है वो है क्लॉक, जो टाइम भी हमें बताता है। तो यहाँ पे आएगा क्लॉक। आई गो फास्ट और स्लो एंड आई राइम विथ फार। तो फास्ट और स्लो कौन जाता है? कार, जो फार से राइम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कार। तो आज हमने इस वीडियो में देखी क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए इंग्लिश वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।